हेलो दोस्तों, मैं राहुल सुचान हिंदी गिजबर डॉट कॉम में आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मैजिक क्लीनर ऐप के बारे में जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी फ़ोन में सेव सभी स्पैम फोटोज़ को डिलीट कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक से। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सिफर ऐप के बारे में, जो एक मैजिक क्लीनर ऐप है। ये ऐप क्या करती है, आपके फ़ोन में सेव जितने भी व्हाट्सएप से आने वाली फ़ोटोज़ हैं, बेकार की फ़ोटो हैं, उनको सर्च करती है, उनको फ़िल्टर करती है और आपके सामने एक ऑप्शन देती है डिलीट करने का। अगर आप चाहते हैं तो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर सकते हैं और नहीं चाहते तो एक एक करके कुछ सेलेक्टेड फ़ोटो भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में ये ऐप कैसे काम करती है और आपके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ हैं उनको कैसे ये फ़िल्टर करती है। सो ऐप को इंस्टॉल करना आसान है, इसके लिए वही करना होगा जो नॉर्मल ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप करते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ के सर्च ऑप्शन में जो है लिखिए SIFTR। ये देखिए पहली ऐप जो दिख रही है, इसमें ये आइकॉन आपको दिख जाएगा सिफर मैजिक क्लीनर। ये ऐप को इंस्टॉल करिए और यहाँ पर ये मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी ऐप जो है डाउनलोड हो रही है 12.96, यानी कुल मिला के 13 MB की ऐप से, बहुत बड़ी ऐप नहीं है, तो आपके फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ऐप काफ़ी फ़ोटोज़ हटाने के बाद और मेमोरी आपकी क्लीन कर देगी। सो ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे देखिए ऐप इंस्टॉल हो गई है और इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करती ही देखिए आई नीड एक्सेस टू योर फोटोज़ फॉर क्लीनिंग। ऐप को जो है एक्सेस देना होगा आपको, ताकि वो आपके जो फोल्डर्स हैं, फ़ोटो फोल्डर्स हैं, उनका एक्सेस मिलने के बाद उनको सर्च कर सके और ये डिटेक्ट कर सके कौन सी फ़ोटो स्पैम है, कौन सी फ़ोटोज़ जो हैं वो बेकार हैं। सो यहाँ पे हम उसे एक्सेस दे रहे हैं। ये देखिए ये मैंने अलाउ कर दिया। अब जो ऐप है आपके फ़ोटो फोल्डर्स को ये सर्च कर रही है, उसमें फ़िल्टर करेगी कौन सी फ़ोटो उसे हटानी है। सो ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, व्हाट्सएप एंड गैलरी, यानी आप व्हाट्सएप की जो फ़ोटोज़ हैं और जो गैलरी है, दोनों में से कोई भी आप फोल्डर चूज़ कर सकते हैं अपनी स्पैम फ़ोटो। यहाँ पे देखिए मैं व्हाट्सएप चूज़ कर रहा हूँ और इसे सर्च करने के लिए क्या करना होगा, ये जो आइकॉन देख रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है टैप ऑन माई हेड टू स्टार्ट एनालाइजिंग। यहाँ पर हमने कर दिया टैप और यहाँ देखिए 2, 3, 4 फ़ोटोज़, ये जितनी भी फ़ोटो हैं एनालाइज़ कर रही है ऐप। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन में कितनी फ़ोटो सेव हैं। तो ये नीचे की ओर जैसे अगर आप देख रहे होंगे, ये फ़ोटोज़ ऑटोमेटिक हमारी जो हैं चंग फ़ोटोज़ हैं जो ये ऐप डिटेक्ट कर रही है यहाँ पे, इन्हें आप चाहें तो एक क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। हालाँकि पूरी फ़ोटोज़ यहाँ पर एनालाइज कर लेनी चाहिए, तो उससे बेटर रहेगा सेलेक्ट करने में। बहुत सी दूसरी ऐप्स भी आपको मिलेंगी, लेकिन ये ऐप्स थोड़ी मुझे इजी लगी यूज़ करने में। इसका इंटरफेस इजी है और सेफ़ है आपके फ़ोन के लिए, ज़्यादा परमिशन नहीं देनी होती, सिर्फ आपको फ़ोटो एक्सेस की परमिशन देनी होती है, जो मेरे ख्याल से सेफ़ है। सो यहाँ पे देखिए 182 जंक फ़ोटोज़ जो हैं मेरे पूरे व्हाट्सएप की जो फ़ोटोज़ हैं, सिर्फ व्हाट्सएप की फ़ोटोज़ में से 182 फ़ोटोज़ जंक जो हैं ये ऐप ने मुझे दिखाई। अब यहाँ पे देखिए मैं देखता हूँ, ये देखिए ये सारी व्हाट्सएप की फ़ोटोज़ हैं जिनमें टेक्स्ट है, कार्ड की फ़ोटो है और जो कभी क्लिक कर ली सडनली बट डिलीट करना भूल गए। सो अगर आप चाहते हैं ये सारी फ़ोटोज़ आप एक बार देख लीजिए, इनमें से कौन सी फ़ोटोज़ डिलीट करनी कौन सी नहीं, यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं एक ही क्लिक। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ सेलेक्टेड फ़ोटोज़ आप जो है ना डिलीट करें, ये ऐप ये फोल्डर बाय फोल्डर इसने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि मैं इसको हटा दूंगा तो ये सारी फ़ोटो हमारी सेलेक्ट नहीं है, यानी हम डिलीट करेंगे तो ये फ़ोटो हमारी नहीं डिलीट होंगी। अब इनमें से बाई चांस मैंने ये सेलेक्ट कर ली, मैसेजेस हैं ये मैं सब डिलीट करना चाहता हूँ, मिसलेनियस है। सो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो सब डिलीट कर सकते हैं। सो ये देखिए स्कैन एंड स्क्रीन शॉट्स हैं, ये सारे आपकी जंक फ़ोटोज़ हैं जो आपकी फ़ोन की मेमोरी तो घेरती हैं, साथ में इसको स्लो भी कर देती हैं। सो अभी मैं सिर्फ ऊपर वाला जो ये ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप जितनी भी फ़ोटो ऐप ने सेलेक्ट की हैं उनको सबको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे टिक करके आप जितनी भी फ़ोटो हैं वो जंक फ़ोटोज़ हैं वो एक बार में डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने टिक किया और डिलीट 39 जंक फ़ोटोज़ एंड रिटर्न 143 फ़ोटो टू गैलरी, यानी 39 फ़ोटो हैं ये ऐप डिलीट कर देगी और बाकी जितनी फ़ोटो हैं वो वापस आपकी गैलरी में चली जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये 39 फ़ोटोज़ जो हैं हमारी डिलीट हो गई हैं। अब इसी तरीके से आप गैलरी की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी 135 न्यू कैमरा फ़ोटोज़ फाउंड। सो टोटल 135 हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इन फ़ोटोज़ में कितनी जंक फ़ोटोज़ हैं ये ऐप सर्च कर लेगी और फिर से हम वही जो डिलीट करने का ऑप्शन है चूज़ करके फ़ोटोज़ डिलीट कर सकते हैं। तो देखा आपने,
अपने फ़ोन में से स्पैम फोटोज़ को डिलीट करना कितना आसान है। सो अब एक एक करके फ़ोटो डिलीट करना छोड़िए और ये मैजिक क्लीनर ऐप इंस्टॉल करके सारी जंक फ़ोटो एक ही बार में डिलीट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं राहुल सुचान अगले वीडियो में फिर से लेके आऊँगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जब तक पढ़ते रहिए hindigizmo.com, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।